और महबूबाबाद के बाद प्रधानमंत्री ने करीमनगर में भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने वहां केसीआर के भ्रष्टाचार और कांग्रेस के परिवारवाद का मुद्दा जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगर विकास और सामाजिक न्याय के लिए वोट देना है तो सिर्फ बीजेपी ही उस पर खरी उतरती है। पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी याद किया और कांग्रेस पर कटाक्ष किया। इस मिट्टी ने देश को पीवी नरसिम्हा राव जी के रूप में एक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन कांग्रेस के शाही परिवार उनको पसंद नहीं आया और उनका कदम कदम पर अपमान किया। यही नहीं, राव साहब के निधन के बाद भी सरेआम कांग्रेस के शाही परिवार ने नरसिम्हा राव जी का अपमान करने का एक भी मौका जाने नहीं दिया। ये परिवारवादी सिर्फ और सिर्फ अपने ही बच्चों की सोचते हैं, आपके बच्चों की उनको चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री ने केसीआर पर कटाक्ष करते हुए उन्हें अंधविश्वासी और फार्म हाउस मुख्यमंत्री करार दिया। उन्होंने जनता से अपील की कि अगर भ्रष्टाचार और लूट से मुक्ति पानी है तो भाजपा सरकार का गठन करना ही होगा। क्या आप लोगों ने तेलंगाना इसलिए बनाया था कि केसीआर अपने नाते रिश्तेदारों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे सके? केसीआर ने बोला था, क्या क्या बातें की थी? केसीआर ने बोला था आपको देंगे निल्लो निधुलो नियामा कालो, पर आपको दिया क्या? उसने क्या दिया? कन्नीलो मोसालो निरुद्योगलो